हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 11 जून और कल होगी 12 जून, यानी कि भाभी का बर्थडे। तो आज भाई भाभी के लिए मैं छोटी मोटी गिफ्ट्स लेने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे भाई देखो, भाभी को तो कुछ भी नहीं चाहिए, उन्होंने मना ही कर दिया था। लेकिन भाई देखो, मुझे गिफ्ट्स लेनी भी अच्छी लगती है और गिफ्ट्स देनी भी अच्छी लगती है। तो घर में भाई का बर्थडे होता है या फिर मम्मी और पापा का, किसी का भी होता है, तो वो लोग मना ही करते हैं हर बार। और हर बार मैं कुछ ना कुछ उन लोगों को देता ही हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जब भी मुझे कोई गिफ्ट देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही भाई, कल भाभी का बर्थडे है तो भाभी को भी थोड़ा अच्छा फील करवाता है थोड़ी देर के लिए। तो भाई मैं भी सोच रहा था कि क्या दूँ भाभी को, क्योंकि भाई लेटेस्ट फ़ोन है, फिर एप्पल वॉच, एयरपॉड, भाई सब कुछ है। ऐसा गैजेट्स में तो एक भी चीज़ बाकी नहीं रही है, और आईपैड वाईपैड लैपटॉप सब कुछ है, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रह गई है कि मैं भाभी को दे सकूँ। लेकिन अभी गिफ्ट तो मुझे देनी है भाभी को। कोई नहीं, चलिए अभी फिलहाल मैं तो रेडी हो गया हूँ। मम्मी और पापा मेरे साथ आ रहे हैं, और आज हमारा थोड़ा जल्दी निकलने का प्लान था, बट अभी 4 तो इधर बच गए, वो इसलिए बिकॉज हमारी जो मेन चैनल है उसका शूट भी था। लेकिन कोई नहीं, शूट अच्छे से हो गया और अभी फटाफट निकलते हैं और कुछ तोहफा लेकर आते हैं भाभी के लिए। और वैसे बर्थडे तो कल ही है, लेकिन शायद मैं आज ही भाभी को सारी गिफ्ट्स दे दूंगा। भाई तू आ रहा है किधर? मैं देख क्या, तू हाँ बोलेगा ना तू भी, मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगा। तू एडिटिंग कर रहा है तो क्या बात है भाई, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सही है सही है, चल तो अभी मैं जाता हूँ। बाय 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 भाभी, अभी शाम को मिलते हैं छोटी मोटी गिफ्ट्स के साथ। लेकिन आपको कुछ चाहिए तो मुझे अभी से बता दो। नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रहेगा तो मैं आपको बोल दूंगी। मैं गिफ्ट लेने के लिए ही जा रहा है, उनकी गिफ्ट मुझे चलेगी क्योंकि वो मेरे जैसी होती है। मेरे जैसी आई मीन भाभी जो डेली यूज कर सके ऐसी चीजें होती है। हाँ। ऐसी बहुत वो खर्चे वाली नहीं होती, महंगी नहीं होती, सस्ती और अच्छी होती है। मैंने तो इस बार इसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया क्योंकि उसने मेरे को बोला नहीं क्या चाहिए, और हर बार जो लेके आता हूँ उसको पसंद नहीं आता है। और वैसे भाई ऑलरेडी भाभी के पास सभी सब कुछ है, तो अभी मैं भी कंफ्यूज हो गए थे कि भाभी को क्या दो। अभी मेरे पास सब कुछ नहीं है तो उसको उसके बर्थडे के दिन मेरे को गिफ्ट देना मांगता है। चलो भाई भाई, जैसे तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आपसे जरूरी बात कर लेते हैं। मुझे एक ऑनर्स ट्रेडिंग ऐप का पता चला है कि जहाँ से आप इजीली आपके रोज के एक्सपेंसेस की जरूरत पूरी कर सकते हो। तो उस एप्लीकेशन का नाम है बिनोमो, जिसके बारे में मैं आपको काफी टाइम से बताते आया हूँ, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल है। अब बिनोमो सभी को दे रहा है वीआईपी स्टेटस। 17th जून को सभी को मिलेगा हाईएस्ट प्रॉफिट एंड 74 एसेट्स में ट्रेड, प्लस 4 आवर्स में इंस्टेंटली विथड्रॉ एंड डबल बोनस ऑन डिपॉजिट्स एंड कैशबैक विद हैप्पी आवर्स। और इसका फायदा लेने के लिए 65,000 रुपीस डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिंपली प्रेडिक्शन करना होता है कि ग्राफ का डायरेक्शन अप जाएगा या फिर डाउन, और अगर आप बिगिनर हो तो आपको इसमें टाइम फ्रेम, इंडेक्टर जैसे हेल्पफुल ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पहला ग्राफ डाउन था और अभी आपका 90% चांस लग रहा है मुझे, तो यहाँ मैंने एसेट सिलेक्ट किया एंड 1000 रुपीज का अप डायरेक्शन पर प्रेडिक्शन कर दिया है। अब देखो ये अब जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है, वाह, मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो गया। मैंने 1000 रुपीस लगाए थे और पूरे 1840 रुपीस का ट्रेड विन कर लिया। और आप अपने विनिंग्स आराम से अपने पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो। रुको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, डन, पेटीएम से सीधे अपने पास। इसमें आपको ट्रायल एंड सीखने के लिए 65,000 रुपीस का फ्री डेमो अकाउंट भी मिलेगा। तो अभी वेट किस बात की, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करो एंड ट्रेडिंग स्टार्ट करो। आर यू बिनोमिस्ट, ज्वाइन नाउ। चलिए भाई अभी जाते हैं हम तीनों, यानी कि मैं, मम्मी और पापा। आज वैसे सैटरडे है ना, तो थोड़ा ट्रैफिक भी मिलेगा और भीड़ भी रहेगी, लेकिन कोई नहीं। चल मम्मी फटाफट, हंस मत, लेट हो गया है। मैं तो कब से रेडी हूँ। ओहो, तू जा अभी, आधे घंटे से मैं कॉल करके मम्मी को पूछ रहा हूँ मम्मी कितनी देर। भाई और भाभी यहाँ से ऊपर गए तब से रेडी। मम्मी मम्मी आज तूने बहुत लेट करवाया सच्ची में। नहीं नहीं नहीं, आज तेरा कुछ भी नहीं चलेगा। मैंने नहीं किया लेट करने वाले थे। आर्ग्यूमेंट्स मत कर। और इधर ये पापा देखो क्या कर, ये ब्रश से बहुत साफ कर अपनी धनों, मस्त लग रही, एकदम चमचमाती हुई। भाई बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई आप पीपीएफ करवाओ, लेकिन मैंने ऑलरेडी भाई सिरेमिक कोटिंग करवाया है मेरी कार पे। और आज पापा के मजे है वो इसीलिए बिकॉज एक तो दोपहर का टाइम है और पापा को आना ही नहीं था। These people can stare.
I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guy. और अभी पापा पूछ रहे हैं कि वो चेयर कहाँ पर है मसाज वाले, नहीं वही ढूंढ रहा हूँ। पापा आपकी मंजिल आ गई, ये रही मसाज चेयर, जाओ फटाफट बैठो आप, अभी मैं और मम्मी शांति से शॉपिंग करके आते हैं, नहीं मम्मी जाओ जाओ फटाफट। तो भाई पहली गिफ्ट तो ले ली हमने, फॉरेस्ट का लिया है नेकलेस, अभी और भी देखना है, नहीं मम्मी मम्मी को जो देना था वो मम्मी ने देखा लेकिन फिर मजा नहीं आया उतना भाई, वैसे अभी सिर्फ एक ही चीज हमने ली है और अभी पापा कहाँ गए वो अभी देखना पड़ेगा। पापा मिल तो गए लेकिन अभी पापा को बाहर जाना है, ऐसा बोला कि मैं 5 मिनट में जाकर आता हूँ। हाँ है ना, चाय पीने के लिए जा रहे हो है ना, नहीं नहीं जाओ जाओ पापा, हमको अभी हमको थोड़ी देर लगेगी, 1-2 घंटा लग जाएगा। 2 घंटा मैंने और मम्मी ने बहुत कुछ देखा लेकिन कुछ अच्छा ही नहीं लगा, नहीं अभी यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं और देखते हैं अभी, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ हम ले पाए यहाँ से, और पापा तो फिलहाल अभी बाहर ही है, चाय पीने के लिए गए थे लेकिन अभी कोई कॉल वॉल नहीं आया अभी पता नहीं, अभी हम बेसमेंट में जा रहे हैं भाई, कार लेके बाहर निकलते हैं और फिर पापा को कॉल करते हैं, भाई पापा का कुछ भरोसा नहीं वो कहाँ से निकले कि वो अभी हमको भी आइडिया नहीं है। फाइनली निकल गए ये मॉल से, और पापा थक गए ना आप, सच में बोलो बहुत शॉपिंग की मैंने, कुछ शॉपिंग वॉपिंग नहीं की, बहुत चाय पी, ऐसा बोलो कि बहुत गप्पे मारे ऐसा लेकिन भाई आप सच में बहुत थक गए हम, एक तो काम ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ मैं एक ही चीज ले पाया और अभी दूसरी मुझे लेनी है, लेकिन यहाँ पर भाई अच्छी मिल ही नहीं रही थी मेरी चॉइस की, वैसे मेरी चॉइस की आई मीन भाई जो भाभी को अच्छी लगे ऐसी, यहाँ पर कोई ऐसी चीज ही नहीं मिल रही थी जो सेकंड मुझे जो चाहिए थी वो। जाते हैं दूसरी जगह, कैसा लगा पापा दूसरी जगह का नाम सुनकर? क्या लगेगा, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास पूरा भर आना ऐसा। अभी मैं एक और जगह आया था लेकिन यहाँ पर भी मेरा काम नहीं हुआ, अभी दूसरी जगह जाते हैं और देखते हैं भाई, अभी आज तो वहां से यहाँ यहाँ से वहां ऐसे करते करते थक गए। कार मैंने देखो कहाँ पर पार्क की है, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी तो भाई ये पत्थर के ऊपर चढ़ा के यहाँ पर अभी पार्क की है, और अभी मम्मी को कुछ गोल्ड की चीज लेनी है भाभी के लिए। काम हो गया, आई मीन मम्मी और पापा को दोनों को जो गिफ्ट देनी थी वो यहाँ पर मिल गई है, कुछ गोल्ड का देना था नहीं मम्मी, तो वो ले लिया भाभी के लिए, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो अभी तक मुझे नहीं मिला मम्मी अभी घर चला जाएगी फिर जाए, अभी 8 बज गए तो अभी आधे एक घंटे में तो भाई सब कुछ अभी धीरे धीरे बंद होने लगेगा, तो यहाँ पर भी अभी हमारा काम नहीं हुआ, हम एक और जगह आए थे लेकिन कुछ नहीं मिला अभी तो आज तो सिर्फ 2 ही चीज़ लेकर हमको घर जाना पड़ेगा, जो मेन चीज़ थी वो तो हमने ले ही ली, तो अभी कोई बात नहीं है, और वैसे अभी हवा बहुत तेज चल रही है पता नहीं क्यों, आई थिंक बारिश होगी आज ऐसा लगता तो है। फाइनली पहुंच गए घर, तो मम्मी और पापा की गिफ्ट ये रही और अपनी ये रही, भाई प्लान तो था हमारा कि बहुत कुछ लेंगे लेकिन कुछ अच्छा लगा ही नहीं हमको, तो सबसे पहले सारी गिफ्ट जाएंगी मंदिर में, कुछ भी लेते हैं सबसे पहले हम मंदिर में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम निकल के जिसको देना है उनको देते हैं, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रही है, मम्मी क्या मांग रही है इसके जरिए भगवान जिसके लिए लाया है उनको ज्यादा खुशी दे और हमारे घर में भी ज्यादा खुशी आए। हाँ हाँ क्या बात है, तो अभी भाभी ने बहुत सारी रोटियां बनाई है भाई, ये देखो कितनी सारी, इतने में तो 10-15 लोगों का खाने का हो जाएगा, जितनी बनी है उतनी और बनाएगी। हाँ क्योंकि ये देखो ये जो आपको इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गुल्ला पेड़े पेड़े, हाँ अभी इतनी रोटी तो ऑलरेडी बन गई है, अभी इतने बाकी है तो आप सोचो कि इससे भी डबल हो जाएगी, अभी आज ही बनानी है आपको? हाँ अभी बनाऊंगी। तो अभी भाभी ने इतनी सारी रोटियां क्यों बनाई है तो वो जानने के लिए आकाश भाई का व्लॉग जरूर देखना विवा ब्रदर्स पर, लेकिन कब यानी ये मेरा व्लॉग आएगा उसके 1-2 दिन बाद आ जाएगा तेरा, मतलब मैं रखूंगा रिद्धि के बर्थडे के दूसरे दिन, जो भी हो वो आप चेक करते रहना आई जाएगा, तेरा व्लॉग तो कल ही आएगा ना, और मेरा व्लॉग तो भाई आ ही जाएगा भाई अभी कल, तो मतलब 12 तारीख, हाँ 12 तारीख को, यानी कि रिद्धि के बर्थडे के दिन तू व्लॉग डालना है। हाँ तो भाई कमेंट में हैप्पी बर्थडे भाभी लिखो, हाँ क्योंकि भाई आज है 12 जून आपके लिए, अभी तो 11 जून ही है लेकिन आपके लिए 12 जून है, तो भाई सब लोग अभी भाभी को विश करो, भाभी सबने विश कर लिया, आप थैंक यू बोल दो, थैंक यू। तो अभी मम्मी गिफ्ट्स ला रही है, तो मम्मी पेश कर मेरी और पहले विशु वाली की, ऐसा विशु वाली नहीं, हमारी गिफ्ट्स हमारी तरफ से बस ऐसा ही दे दे ओ
भाभी को तो पता ही है कि यही ब्रांड का लेने वाला था, भाई की तरफ से है ना। मुझे लास्ट ईयर जो दिया था ना वो मैंने इतनी सारी जगह पे पहना है और आपकी दी हुई चीज मैंने इतनी सारी जगह पे पहना है कि स्वरोस्की को फ्री में ब्रांड एम्बेसडर मिल गया। अबे लेकिन इन लोगों ने कुछ डिस्काउंट भी नहीं दिया, बोल एक रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया तो क्यों देंगे उसकी भाभी का थोड़ी बर्थडे। कोई नहीं, चलो भाभी आप चेक करो। अच्छा अभी खोलूं मैं? हाँ अभी खोलना पड़ेगा, गिफ्ट है। अभी एडवांस में इसलिए दे रहे हैं कि अगर आपको कल शायद पहनने का मन हो जाए तो आप पहन सको इसीलिए। अरे ये पूरा सील पैक है। ओ मुझे ऐसा ही सेम चाहिए था, रिंग वाला। हाँ तो भाई ये देखो स्वारोस्की का नेकलेस जो भाभी के लिए मैंने अभी लिया है वो। थैंक यू विशु भाई। ये क्या है? ये इसका वो वारंटी कार्ड है। इसकी भी आदि, ये गोल्ड जितना ही महंगा आता है, बहुत महंगा नहीं पड़ा, गोल्ड जितनी प्राइस। मैंने बोला ना स्वारोस्की वालों को ये फ्री में ब्रांड एम्बेसडर मिल गया, देख अभी भी कितनी तारीफ कर रही है पता नहीं किस बात। बट ये है उतनी अच्छी चीज। हाँ। मेरे पास है स्वारोस्की की, एक भाई ने दी थी। और इसके जो स्टोन आते हैं ना, आई मीन क्रिस्टल, उसकी शाइन कभी भी नहीं जाती है, लाइफ टाइम ऐसी की ऐसी रहती है। एक एक मिनट ला, देख विशु इधर कब दिखाता हूं। हां ये बोले कि एक रिंग मेरी एक नहीं नहीं देखिए दो रिंग है ना। हाँ दो रिंग है ये, इसमें से एक रिंग इसके अंदर रहने दूंगा, एक रिंग निकाल के मैं पहन लूंगा। ये लड़कियों वाली है, आएगी भी नहीं आपकी उम्र। वैसे ये दो रिंग क्यों है पता है? एक तेरी और एक भाभी की। हाँ। और दोनों का बंधन, घाट बंधन। मम्मी अभी दे दे, चल असली वाला माल तो मम्मी मम्मी के पास है। ये दामोदर दास बोल बोल पहले ये क्या लिखा है? दामोदर दास ज्वेलर्स। दामोदर दास नहीं, दामोदर दास बोले अभी आ गया है। मम्मी मैंने ये टाइम पे आपको ना बोला था ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भरत मिला, भरत मिला बोलते हो, दो भाई थोड़ी मिल रहे हैं। तो ये क्या बहन मिला? माँ बेटी मिला। तो अभी गिफ्ट्स कैसी लगी? सारी बहुत अच्छी लगी। वैसे हम दो तीन और गिफ्ट्स लेने वाले थे लेकिन कुछ अच्छा मिला ही नहीं। ये एक ही इतनी अच्छी थी, दो तीन लेने की क्या जरूरत है। जो मम्मी ने दिया था वो भाभी ने पहन भी लिया। सही है सही है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और जो मेरी गिफ्ट थी वो भाभी कल पहनने वाले हैं। कल शाम को हम जाएंगे ना डिनर के लिए, तभी पहनेंगे। तो चलिए अभी आज का ये व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। तो अगर आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी बिना लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय 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 बाय।